अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस तस्वीर में जिस नौजवान को आप देख रहे हैं, इस नौजवान का नाम गनीम अल मुफ्ता है। अप्रैल में कतर हुकूमत ने इस नौजवान को कतर में होने वाले एशिया के पहले और दुनिया के सबसे महंगे फीफा वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गनीम अल मुफ्ता की उम्र तकरीबन 20 साल है। गनीम जिस्मानी तौर पर माजूर है, यह दो जुड़वा भाई पैदा हुए थे। यह नौजवान देखने में माजूर जरूर है, लेकिन यह कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि यह बच्चा साइंस का एक काबिल तरीन स्टूडेंट, एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर और अरबपति कतरी बिजनेसमैन है, जो एक कंपनी का मालिक भी है। मुझे नहीं लगता कि इसके अरबपति होने के लिए मजीद किसी सोर्स की ज़रूरत है, बल्कि आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि यह बच्चा किस लेवल का होगा। प्यार दोस्तों, यह तस्वीर फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी की है। फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी के इस तकरीब में हॉलीवुड अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ब्रांड एम्बेसडर गनीम अल मुफ्ता से सवाल कर रहा है। अब दुनिया और भी दूर होती जा रही है, बटी हुई महसूस होती है। इतने सारे देश, भाषाएं, कल्चर को एक साथ आने का क्या तरीका हो सकता है अगर केवल एक ही रास्ता स्वीकार किया जाए? इस सवाल के जवाब में गनीम अल मुफ्ता कुरान की सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 13 पढ़ता है। आयत में मॉर्गन का सवाल का जवाब देते हुए गनीम इस आयत की तिलावत करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उन्था वजअलनाकुम शुउबा व क़बाइल लितअरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुर खबीर। लोगों, हमने तुमको एक मर्द से पैदा किया, एक औरत से पैदा किया, और हम ही ने तुम्हारे कबीले और बिरादरियां बनाई ताकि एक दूसरे की शनाख्त कर सको। इसमें शक नहीं कि खुदा के नजदीक तुम में सबसे बड़ा इज्जतदार वही शख्स है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। बेशक खुदा बड़ा वाकिफकार और खबरदार है। प्यार दोस्तों, आयत पढ़ने के बाद गनीम कहता है, हमारा मानना है कि मानव जाति इस पृथ्वी पर राष्ट्र और कबीले के रूप में बिखरी हुई है ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें और एक दूसरे के बीच मौजूद इख्तलाफात की खूबसूरती को महसूस कर सकें। गनीम अल मुफ्ता अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैं फीफा वर्ल्ड कप को दुनिया में फैली नफरत और इख्तलाफात को कम करने और पुरअमन तरीके से काम करने के तौर पर देखता हूं और एक दूसरे की खुशहाली की हिमायत करता हूँ। यह डाइवर्सिटी का जश्न है जिसमें खेल को जज्बात और मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। दुनिया में फैली बदतरीन वबा के बाद दुनिया बहुत मुख्तलिफ हो गई है, जो हमने सोचा भी नहीं था। जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ हालात बहुत ही मुख्तलिफ हो गए हैं। हम सब ने इस परेशानी से सीखा है कि हमें हमारे मुआशरे के अंदर बाहर मजीद यकजहती और मोहब्बत और भाईचारगी की ज़रूरत है। ऐसी मुश्तरका कोशिश से ही हम मौजूदा और मुस्तकबिल के झगड़ों पर काबू पा सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप सफीर के तौर पर अपनी सलाहियतों के जरिए मैं इंसानियत के लिए उम्मीद, एक दूसरे से जुड़ने, अमन, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम देना चाहता हूं। यार दोस्तों, गनीम अल मुफ्ता के बारे में यह जानकर आपको जरूर हैरानी होगी कि यह माजूर नौजवान कई फील्ड में काम कर रहा है और बेहतरीन कामयाबी हासिल कर रहा है। अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन और अपने वतन अजीज को देता है। गनीम अल मुफ्ताह का कहना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्यार दोस्तों, गनीम अल मुफ्ताह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है जो किसी तरह से माजूर हैं और अपनी माजूरियत की वजह से अपने हौसलों को पस्त कर लेते हैं। गनीम अल मुफ्ताह का कहना है कि बेशक आपका व्यवहार, आपका स्वभाव और आपका कर्तव्य ही आपको भीड़ में सबसे बड़ा, सबसे इज्जतदार, सबसे खास बनाता है, न कि आपकी जाति, आपका धन और आपकी ताकत। कुरान की इस आयत को पढ़ने के बाद मुफ्ताह इस्लामी दुनिया के हीरो बन गए हैं। हर तरफ मुफ्ताह के ही चर्चे हो रहे हैं। सच कहा है, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत से नवाज देता है। प्यार दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस नौजवान के हौसले के लिए इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर आप ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की बेहतरीन वीडियो वक्त पर मिल सके। हम मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।